आइए दोस्तों, आज हम बंगाल के खाड़ी में स्थित सुंदरबन के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। सुंदरबन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह बंगाल के खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के संगम द्वारा गठित डेल्टा में एक मैंग्रोव क्षेत्र है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंग्रोव क्षेत्र क्या है, तो मैं बता दूं कि मैंग्रोव क्षेत्र ऐसे तटीय क्षेत्र होते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है। इससे जल में मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है, जहां वैरायटी किस्म के पेड़ पौधे, वन्य जंतु, पशु पक्षी पाए जाते हैं, जो मिलके मैंग्रोव फॉरेस्ट बनाते हैं। दोस्तों, सुंदरबन के मैंग्रोव फॉरेस्ट में सुंदरी नामक पेड़ पाया जाता है, इसीलिए यहाँ का नाम सुंदरबन रखा गया है। यहाँ 102 आइलैंड्स हैं, जबकि 54 आइलैंड्स में लोग रहते हैं और बाकी बचे आइलैंड्स में मैंग्रोव फॉरेस्ट में फैला हुआ है। सुंदरबन बंगाल के खाड़ी में 10,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, जिनमें लगभग 4,000 किलोमीटर स्क्वायर भारत में और 6,000 किलोमीटर स्क्वायर बांग्लादेश में स्थित है। दोस्तों, सुंदरबन के इस मैंग्रोव फॉरेस्ट को 4 मई 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। और दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहां बाघ पाए जाते हैं, जिसे पूरी दुनिया में रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। ये बाघ आदमखोर होते हैं और हर साल लगभग 50 से 60 आदमी को अपना शिकार बनाते हैं। अनुसंधान से ये पता चला है कि सुंदरबन के बाघ खारे पानी पीने के कारण मनुष्यों को शिकार चुन लिया है। अध्ययनों से ये पता चला है कि सुंदरबन में बाघों की संख्या अभी के समय कुल 240 है, जहां भारत में 100 और बांग्लादेश में 140 रहते हैं। दोस्तों, सुंदरबन के हैंताल वन में बाघ अपना आश्रय बनाते हैं। इसकी वजह यह है कि ये वन में होने वाले हैंताल पेड़ का कलर और बाघों का चमड़े का कलर के साथ मेल खा जाता है। यहाँ गर्व के दौरान और साथ ही छुपने में भी इस्तेमाल करते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में सुंदरबन बाघ संरक्षण केंद्र का कोर क्षेत्र घोषित किया गया है। बाघों के साथ यहाँ हिरन, बंदर, खारे पानी का मगरमच्छ, डॉल्फिन्स पाए जाते हैं और बहुत सारे सरीसृप, पक्षियाँ, रीढ़विहीन जीवों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। दोस्तों, यहाँ बंगाल के खाड़ी में हर साल साइक्लोन्स जैसे बहुत सारे प्राकृतिक आपदा आते रहते हैं, फिर भी यहाँ के जीव उसका सामना करके बचे हुए हैं। ये एक चकित करने वाली बात है। दोस्तों, ये इलाका समुद्र में नदी के संगम के कारण समुद्र में होने वाले जुआर से पानी तट को पार कर देता है और एक टापू से दूसरे टापू के बीच में कैनाल बन जाता है। और जब भाटे का समय होता है, तब खारे पानी में रहने वाले जीव जैसे केकड़ा, मछली, सामुक और बहुत सारे जमीन पर रह जाते हैं और यहाँ के पशु पक्षियों का खुराक बनते हैं। ये हर दिन चलता रहता है। यहाँ लगभग सभी वन्य जंतु तैरना जानते हैं और अपने खुराक के लिए एक टापू से दूसरे टापू को वाटर चैनल में तैर के पार करते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 45 लाख है और गांव के लोग अपने आजीविका के लिए जंगल के ऊपर निर्भर हैं। जब ये लोग शहद, मछली के लिए जंगल जाते हैं, तो अक्सर बाघों का साथ उनका आमना सामना हो जाता है। ये लोग जंगल जाने से पहले वन बीबी को प्रार्थना करके जाते हैं। वन बीबी को हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मानते हैं। लोग जब जंगल जाते हैं, अपने सिर के पीछे एक मुखौटा लगा लेते हैं, ताकि बाघ जब पीछे से हमले का कोशिश करे तो उसको ये लगे कि कोई देख रहा है। यहाँ के गांव के लोग कोई अगर जंगल जाता है
तो अपने परिवार को आखिरी बार देख रहा है ये सोच के जाता है। इसकी वजह है रॉयल बंगाल टाइगर। दोस्तों, कहा जाता है जो इंसान जंगल में रॉयल बंगाल टाइगर को फेस टू फेस देखा है वो कभी जंगल से लौटा नहीं है। पर क्या करें दोस्तों, यहाँ के लोग का जंगल जाना मजबूरी है। रॉयल बंगाल टाइगर और गांव के बीच में सिर्फ एक नायलॉन का नेट प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। कभी कभार बाघ नेट खुला हुआ देख गांव के अंदर आ जाता है, इसीलिए गांव के लोग आतंक में रहते हैं। और दोस्तों, हम लोग सोच सकते हैं कि ये लोग खतरे के कितना पास में रहते हैं। दोस्तों, हर साल सुंदरबन में 1.5 से 2 लाख के करीब लोग घूमने आते हैं। ये जगह फोटोग्राफी और वन्य जंतु शौकीनों के लिए आकर्षित जगह है। सुंदरबन जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है जल मार्ग। आप यहाँ सोनाखाली से बोट या शिप से आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ का नजदीक रेलवे स्टेशन 67 किलोमीटर दूर कैनिंग है और नजदीक एयरपोर्ट कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों, हम लोग का अगला वीडियो सुंदरबन का एक ट्रिप के बारे में है। वहाँ हम कैसे गए, कहाँ रहे, कैसे घूमे, उसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।